नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ रोडवेज क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के बाहर मंगलवार के दिन में उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान अपने संबोधन में पदाधिकारियों ने परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक का वादाखिलाफी का आरोप लगाया। इस संबंध में आजमगढ़ के क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रवेश कुमार सिंह ने कहा कि पिछले दिनों 25 सूत्री मांगों का ज्ञापन लखनऊ में परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को दिया गया था। तब सौहार्दपूर्ण तरीके से मांगों को मान लिया गया था, लेकिन प्रबंध निदेशक की हठधर्मिता है कि इस पर कोई कार्यवाही बाद में नहीं की हुई। इसी को लेकर आज क्षेत्रीय कार्यालय में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। अगर अभी भी मांगे पूरी नहीं हुई तो 27 सितम्बर को लखनऊ में इससे भी दुगने की संख्या में कर्मचारी द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोग 25 सूत्री मांग पत्र को लेकर धरने का कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें नियमित को संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने, आउटसोर्सिंग को समान वेतन दिए जाने और तमाम मांग पत्रों को लेकर 25 सूत्री मांग पत्र डग्गामारी को विशेष रूप से डग्गामारी पे रोक लगाने हेतु हम लोग धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रबंध निदेशक से हम लोगों की वार्ता हुई थी जिसमें उन्होंने सहमति बनाई, लेकिन उन्होंने कर्मचारी समस्याओं का निदान नहीं किया, इसलिए विवश होकर आज हम लोग धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं और क्षेत्रीय प्रबंधक के स्तर से हम लोगों ने प्रबंध निदेशक को ज्ञापन देने का काम किया है। यह पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पे रोडवेज कर्मचारी संघ भारतीय मजदूर संघ द्वारा ज्ञापन का कार्यक्रम किया जा रहा है और अगले चरण में यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग 27 सितंबर को इको गार्डन लखनऊ में इससे भी तिगुना संख्या में धरने का कार्यक्रम वहां करेंगे और जैसा भी प्रांत का निर्देश होगा हम लोग उसके उपरांत 100% प्रांत के निर्देश का अनुपालन करेंगे। और इस मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा कि कर्मचारियों की भावनाओं और सबका साथ सबके विकास की भावना जिस पे आप लोग काम करते हैं, हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी मानदेय से भी जो मानदेय है वो मनरेगा के मजदूरों से भी कम पा रहे हैं, संविदा के कर्मचारियों से कटौती की जा रही है, उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की जा रही है, उसे यदि नहीं रोका गया तो निश्चित रूप से आपका एक विधायक जितने लोगों से नहीं मिल पाता होगा, मेरे संविदा का एक चालक परिचालक दिन में 365 लोगों से मिलता है और आपकी अगर बुराई करने पे उतर आया तो निश्चित रूप से आप कहीं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।